तो बन रहा है, रिपेयर हो रहा है। रूम हीटर को लेके आ गया हूँ, ये रहा रूम हीटर। तो चलिए दोस्तों विद्या फैमिली ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज नए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अभी दोपहर का 2:30 बज रहा है और जा रहा हूँ मार्केट। मार्केट जाने का मेन रीज़न यही है कि जो मेरे रूम में एक रूम हीटर लगा हुआ था, वो रूम हीटर 1000 वाट का था, वो अचानक ही काम करना बंद कर दिया है, जिसके चलते बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है और ठंड भी इस बार बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। तो ठंड में और बच्चों को दिक्कत ना हो, हमें दिक्कत ना हो, तो इसलिए दोस्तों रूम हीटर को बनाना ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ रूम हीटर। तो दोस्तों यही है वो रूम हीटर, रिको कंपनी का रूम हीटर है दोस्तों। और ये देखिए, ये पूरी तरह ख़राब हो गया है। ये इसमें भी दो फ्लाइमेंट है, वो फ्लाइमेंट एक भी नहीं जल रहा है, इसके चलते दिक्कत हो रहा है। तो आज मैं इसे बनाने के लिए मार्केट ले जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ ये बनेगा। तो दोस्तों ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो दोस्तों मैं तो मार्केट अभी आ गया हूँ, देखते मार्केट रूम हीटर को लेके आ गया हूँ। ये देखिए रूम हीटर। तो दोस्तों यही वाला फ्लाइमेंट ख़राब हो गया है, इसी को चेंज किया जा रहा है, नया लगा दिया जा रहा है। देखिए दोस्तों बन रहा है, रिपेयर हो रहा है। तो दोस्तों फाइनली ये बन चुका है, अब इसको पैक करके ले जा रहे हैं घर और आपको घर में अब दिखाते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो बने रहिए दोस्तों तब तक, अब घर में जाके मिलते हैं। तो दोस्तों घर पहुंच गए हैं रूम हीटर को लेके। देखिए तो दोस्तों देखिए रूम हीटर को लगा दिया है, देखिए अपने जगह पे लग गया, काम करना भी शुरू कर दिया है। देखिए ये इसका कनेक्शन है, देखिए लाइन को ऑन कर दिया गया है। तो दोस्तों बताइएगा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अगर पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।